खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य सुमित रस्तोगी जी। आपको राशि के बारे में बताएंगे, उसके मुताबिक क्या कुछ नए साल में रहने जा रहा है, कैसा रहेगा 2022 का नया साल। आचार्य जी स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। जी नमस्कार जी। तो सबसे पहले आचार्य जी ये बता दें कि 2022 के सितारे क्या कहते हैं, और अगर ग्रह गोचर की राशि परिवर्तन की बात की जाए तो साल 2022 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को आगामी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ उनको कुछ विशेष गोचर के बारे में बताऊंगा जो इस वर्ष 2022 में अप्रैल माह में बहुत अभूतपूर्व ग्रह गोचर परिवर्तित होने जा रहा है जी। सबसे पहले राहु और केतु वृष राशि और वृश्चिक राशि को छोड़ करके मेष और तुला राशि में परिवर्तित होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जीव कारक गुरु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वो भी अपनी स्वयं राशि मीन में आने वाला है जी। और इसके साथ साथ शनि महाराज जो पिछले 2.5 वर्षों से मकर राशि में गोचर कर रहे थे वो कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो 12 अप्रैल को राहु केतु परिवर्तन, 13 अप्रैल को गुरु परिवर्तन और 29 अप्रैल को शनि परिवर्तन, ये अपने आप में दृष्टिगोचर होता है कि इस वर्ष अप्रैल के बाद बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन हमें इसमें दिखाई देंगे जी। और ये तीन ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, त्रिग्रही परिवर्तन इसको कहा जाता है कि एक ही माह के अंदर ये तीनों हो रहे हैं, तो इससे ये बात पता चलती है कि अप्रैल तक समय थोड़ा सा कुछ परेशानी का या कष्ट का रहेगा, और अप्रैल के बाद यानी कि एक तिहाई साल समाप्त होने के बाद सफलताएं मिलना शुरू होंगी, सुखद समाचार मिलने शुरू होंगे जी। तो चारे जी अब बात कर लेते हैं राशियों की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो चारे जी ये बताइए कि मेष राशि वालों का वार्षिक राशिफल क्या कहता है, और इसके लिए साल 2022 कैसे रहेगा। इसके साथ ये भी बताइए कि इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए जिनसे इनका नया साल जो है खुशियों से भर जाए। जी मेष राशि वालों के लिए बहुत सुखद समाचार जी। मेष राशि वालों के दशम स्थान में शनि 11वें स्थान में पहुंचने वाले हैं। जो दशम स्थान की उनकी मेहनत थी, जो 10वें स्थान में रहते हुए शनि ने उनसे परिश्रम कराया, अब वो समय आ गया है कि उनको लाभ की प्राप्ति होगी जी। सफलता की प्राप्ति होगी, करियर में धन के नए मार्ग खुलेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए मैं थोड़ा सा इनको आगाह करना चाहूँगा क्योंकि केतु इनके सप्तम स्थान से गोचर करेगा अप्रैल के बाद जी। वैवाहिक संबंधों में और पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा सचेत रहें और किसी भी जल्दबाजी में आकर के निर्णय ना लें। इनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं जैसे नींबू या कोई अचार और तिल से बनी हुई वस्तुएं जैसे तिल बुग्गा रेवड़ी इत्यादि, यदि ये किसी भी धर्म स्थल में, मंदिर में या किसी भी व्यक्ति को दान करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु से इनको केवल इतना संभलना है कि इनको पार्टनरशिप और वैवाहिक संबंधों पर वहां पर इनको थोड़ा सा फोकस रहना है जी। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा इनके लिए जी। और विदेश जाने के लिए भी कुछ है जानकारी? विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग इनके खुले हुए हैं इस बार, और काफी अच्छे रहेंगे वो इनके लिए जी। तो आचार्य जी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, नए साल में क्या कुछ खास रहेगा, क्या योग बनते हुए नजर आते हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? वृष राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में ही शनि भाग्य उन्नति के योग बना रहा है जी। इसके साथ साथ करियर में सफलता के योग बना रहा है। वृष राशि में शनि राजयोग कारक होता है, दशम स्थान का स्वामी होकर के जी। तो गुरु लाभ स्थान का स्वामी होकर के इच्छाएं पूर्ति कर रहा है, आशा पूर्ति कर रहा है जी। शनि राजयोग का निर्माण करके इनको करियर इत्यादि में सफलता दे रहा है जी। तो इनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, इनके लिए काफी चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन केतु इनके छठे स्थान से जो गोचर कर रहा है तो उसके लिए इनको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दृष्टि से ध्यान रखने की आवश्यकता है जी। और खास तौर से यूरिनल डिजीज जैसे पथरी, किडनी के रोग इत्यादि वो होने की इनको आशंका है, तो उसके प्रति सचेत रहें जी। इसके साथ साथ इनको एक उपाय के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि सरसों का तेल, काली उड़द, जूते, बेल्ट इत्यादि जो भी शनि की वस्तु हैं वो किसी गरीब व्यक्ति को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जी
इनको जरूर दान करना चाहिए। तो इससे इनको रोग जो केतु का मैंने खराब गोचर इनको बताया वो उसमें फायदा मिलेगा इनको। जी आचार्य जी, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ नया साल लेके आने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा इनके लिए, क्या कुछ उपाय? मिथुन राशि वालों के लिए पंचम स्थान से केतु गोचर कर रहा है। पंचम स्थान जैसा हम सभी जानते हैं कि विद्या का स्थान है, तो विद्या में व्यवधान लाने का इसका योग है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी। इसके साथ साथ ही जो गर्भावस्था में स्त्रियां हैं जिन्होंने भी समय पर गर्भ धारण करा है उनको भी विशेष आवश्यकता इस पर ध्यान देने की है, क्योंकि संतान संबंधी ये समस्या किसी प्रकार की दे सकता है। कैरियर की दृष्टि से ये समय मैं उत्तम मानता हूँ। पिता की सेहत का यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल रखना है। और उपाय के रूप में मिथुन राशि चूँकि कॉपी पेन पेंसिल या पढ़ाई लिखाई से संबंधित बुध को दर्शाती है, तो इसका दान वो किसी गरीब बच्चों को यदि किसी ज़रूरतमंद को करें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी तो कर्क राशि की बात करते हैं, नया साल कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए और क्या कुछ उपाय? कर्क राशि वालों के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर जा करके सफलता का योग बन रहा है। जी। और खास तौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ट्रांसफर की, जो बहुत समय से ट्रांसफर के लिए रुके हुए थे उनका ट्रांसफर होने की पूरी उम्मीद है। जी। और बड़ा पद मिलने का भी उनको योग है जिस पद के लिए वो काफी समय से प्रतीक्षारत थे। जी। इसके साथ साथ यदि कोई विरासत की प्रॉपर्टी भूमि इत्यादि जिसके प्रति कोई भी उनका विवाद चल रहा था या उनको नहीं मिल पा रही थी तो संभवतः 2022 में उनको ये मिलने का पूरा योग है। जी। और सिंह राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। जी कर्क राशि वालों के लिए मैं एक छोटा सा पहले एक उपाय भी बताना चाहूंगा। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है जी, तो जितना संभव हो सके दूध चीनी चावल इत्यादि का दान मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य मेव करें। जी। तो सिंह राशि के बारे में आपने पूछा, तो सिंह राशि में नवे स्थान से राहु का गोचर हो रहा है। जी। नवे स्थान से गोचर होने के साथ साथ यहाँ पर शनि सप्तम भी है। जी। नवा राहु गोचर होने के कारण किसी भी ऊंचाई पर स्थित किसी धर्म स्थल पर कोई तीर्थ यात्रा इत्यादि का योग बन रहा है। जी। इसके साथ साथ व्यापार में उन्नति नौकरी पेशे से धन लाभ वो भी इसके अंदर दृष्टि गोचर हो रहा है। शनि सप्तम होने से विशेष रूप से सेहत का ध्यान रखें, जमीन प्रॉपर्टी मिलने के काफी अच्छे योग हैं। यथासंभव गुड़ व आटा, गुड़ और आटा किसी भी गरीब को या मंदिर में जरूर दान करें। जी। और कन्या राशि वालों की अगर बात की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुखद एक न्यूज है या समाचार है कि जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा था तो उनकी वैवाहिक जितनी भी कष्ट थे या रुकावटें थी तो वो उनकी अब सब खत्म होने जा रही है। 2022 में उनका विवाह का योग बन रहा है। संतान संबंधी मैं जरूर मानता हूँ कि थोड़ा सा कष्ट रहेगा और विशेष रूप से क्योंकि इनके द्वितीय स्थान में केतु आ रहा है तो वाणी पर जरूर अपने कंट्रोल रखें। वाणी का कंट्रोल रखने का यहाँ मेरा अभिप्राय ये है कि वो किसी भी समय पर पहले सोचें और उसके बाद ही कोई भी शब्द बोले, नहीं तो उनको परेशानी सहनी पड़ सकती है। और शनि कन्या छठ से छठे भाव में गोचर कर रहा है तो मेडिकल चेकअप अवश्य अपना समय समय पर कराएं। जी। और यथासंभव मेडिकल की दवाइयाँ या कोई मेडिकल इक्विपमेंट किसी भी चैरिटेबल संस्था में उनको जरूर दान करनी चाहिए। जी। और तुला राशि की अगर बात की जाए तो आचार्य जी, तुला राशि वालों के लिए क्या भविष्यवाणी है? तुला राशि वालों के लिए विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छे उन्नति के योग बन रहे हैं। राहु सातवें घर में होने के कारण कुछ वैवाहिक परेशानियां इनको रह सकती हैं, पार्टनरशिप में भी थोड़ा तनाव रह सकता है। इसके अलावा जो अच्छी बात है वो ये है कि जो भी लोग तुला राशि वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो 2022 उनके लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन में उनको सफलता मिल सकती है। जी। समाज में उनको धन प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी और धन का आगमन होगा। उपाय के रूप में तुला राशि सौंदर्य को दर्शाती है तो अपने इष्ट का जिस भी इष्ट को वो मानते हैं उनसे सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं का उनको जरूर दान करना चाहिए, फूल माला इत्र इत्यादि जिस भी तरह से या किसी इष्ट की पोशाक यदि वो चढ़ाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा शुभ फल रहेगा। जी।
तो वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। 2022 कैसा रहने वाला है साल और क्या कुछ खुशियां लेके आए, क्या कुछ उपाय किए जाए इसके लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान हैं, पुराने मकान हैं और बहुत समय से वो सोच रहे थे कि कुछ उसको उसका नवीनकरण कराया जाए, रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए, तो 2022 उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ ज्ञान से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। ज्ञान से धन प्राप्ति का योग का मतलब यहाँ ये है कि जितने भी लोग जो किसी भी इंटेलेक्ट से अपने पैसा कमाते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। छठे स्थान में राहु होने के कारण थोड़ा सा इनको त्वचा संबंधी रोगों के बारे में थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा जी। इसके अलावा सब कुछ अच्छा है इनके लिए। उपाय के रूप में मैं कहता हूँ कि राहु कोड़ी है जी। तो जितना भी कोड़ी या किसी अपंग व्यक्ति को ये खाद्य सामग्री दान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। प्लस राहु सफाई से संबंधित हमारे जितनी भी मटेरियल होते हैं उनको भी दर्शाता है जी। तो सफाई संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे झाड़ू है, वाइपर है, डस्टर है, ये किसी भी धर्म स्थान में अगर वो दान करे तो बहुत अच्छा रहे। और इसके साथ साथ ही अगर वो धर्म स्थान में कुछ थोड़े समय की सफाई की सेवा भी करें जी, तो बहुत अच्छे उनको फल प्राप्त होंगे जी। तो धनु राशि की अगर बात की जाए, धनु राशि वाले जातकों का इस बार तृतीय स्थान में शनि आने से उनका पुरुषार्थ बढ़ेगा। जो अभी तक उन्होंने आलस्य ले रखा था, बहुत सारे कामों को वो कल पर डाल रहे थे, तो अचानक से उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो अपना उनका पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। इसके साथ साथ तृतीय स्थान में शनि आने के कारण छोटी यात्राओं का योग बनेगा। छोटी यात्राएं जो व्यावसायिक होंगी इनकी, और उसके अंदर इनको फायदा मिलेगा जी। इसके साथ साथ कुछ संतान से अनबन रहेगी थोड़ी सी, आय के मार्ग में कुछ रुकावटें रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बहुत छोटा सा उपाय है धनु राशि के लिए। धनु राशि क्योंकि हमारे धर्म को, रिलीजन को दर्शाती है, और इसका जो मूलांक है वो 9 नंबर है, तो 9 किसी तरीके की किताबें, धार्मिक किताबें, जैसे रामायण हो गई, हनुमान चालीसा, गीता, ये किसी भी अलग अलग 9 मंदिरों में यदि ये दान करते हैं तो बहुत अच्छा फल इनको प्राप्त होगा जी। तो मकर राशि के लिए नया साल कैसा रहने वाला है, क्या भविष्यवाणी है, क्या कुछ उपाय? मकर राशि वालों के द्वितीय स्थान में शनि गोचर कर रहा है जी। द्वितीय स्थान हमारे कुटुंब का स्थान होता है जी। तो कुटुंब से या कुटुंब परिवार के लोगों से सहयोग इनको इस बार मिलेगा, और व्यवहार कार्य क्षेत्र में इनको सफलता मिलने का योग है। लंबे समय से जो इनका रुका हुआ धन लंबित था, जिसके लिए बहुत प्रयासरत थे जी, तो 2022 जो है इनका वो धन जो है इनको प्राप्त कराएगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, सफलता मिलने के योग हैं, विवाह के योग बनेंगे और तीर्थ यात्रा के भी योग बन रहे हैं जी। उपाय के रूप में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जूते, चप्पल, कंबल इत्यादि का ये दान जरूर करें जी। तो कुंभ राशि की अगर बात की जाए, कुंभ राशि के तो लगन में ही शनि गोचर कर रहे हैं, धन प्राप्ति का योग है, और विवाह के लिए भी बहुत अच्छा साल है, बहुत बढ़िया रहेगा। किसी नए कार्य करने के भी योग बने हुए हैं, अपने काम को बढ़ा भी सकते हैं, और कार्य में जिस भी कार्य को करते आ रहे हैं उसमें आकस्मिक कुछ परिवर्तन इनको मिलेगा, प्रगति मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनको पेट से संबंधित रोग होने की आशंका है, अतः अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें। खान पान से नियंत्रण का मेरा मतलब यही है कि समय पर खाएं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है, तो अपने समय पर खान पान का ध्यान रखें, और थोड़ा सा अपने गुरु, सीनियर, बॉस, इनसे किसी भी तरीके के विवाद से बचें। उपाय के रूप में नियमित रूप से कुत्ते को दूध में भिगो करके यदि ये रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ आटा, चीनी, उसका कसार बना करके चींटियों को खिलाएं जी, तो बहुत अच्छा रहेगा जी। अब बात मीन राशि की करेंगे, तो मीन राशि के बारे में बताइए कि कैसा रहेगा नया साल, क्या कुछ लेकर आएगा, क्या भविष्यवाणी है, क्या कुछ उपाय है? मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहने वाली बात है, क्योंकि 12वें स्थान में इनका शनि गोचर करेगा कुंभ राशि में। किसी भी तरीके के निवेश से बचे, और ख़ास तौर से वो निवेश जो दिखाई ना देते हों, या जिस निवेश के अंदर ऐसा होता हो कि रातों रात बहुत सारा पैसा जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि आज की तारीख में हम लोग कुछ आर्टिफिशियल करेंसी के बारे में सुन रहे हैं, इस तरीके के निवेश बिल्कुल ना करें, अन्यथा उनको जो है बहुत बड़ा घाटा
सहना पड़ेगा। जी जी। विदेश या जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन रहा है, करियर में सफलता प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन में पार्टनरशिप में उसमें भी किसी तरह से विवाद से बचने का प्रयास करें। जी। चूंकि राहु इनको धन के मार्ग, धन के लिए नुकसानदायक हो रहा है, तो राहु से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं, जैसे बिजली के उपकरण हैं, वो किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल में उनको दान करना चाहिए। जी। तो चारे जी, ये तो राशियों की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी राशि ही नहीं पता होती, या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, अपने स्वर्थ नहीं पता होता है, तो उनके लिए क्या कॉमन टिप्स है आप बताएंगे उपाय के तौर पर? जी बिल्कुल, जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ कॉमन उपाय हैं। जैसे हमारे ज्योतिष के अंदर सूर्य को आत्मा का, प्रकाश का, तेज का प्रतीक माना गया है, तो सबसे पहले सूर्य का उपाय, सूर्य की हर माह एक संक्रांत होती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांत होती है। जी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि इसी तरह से 12 संक्रांत, 11 संक्रांत और होती हैं। हर माह एक संक्रांत आती है जो महीने के मध्य में आती है, 14, 15 या 16 तारीख। जी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है और गुड़ लेना है, यथासंभव गुड़ और आटा मंदिर में दान करें, और कोशिश करें जितने भी लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार बांट सके जी, पूरे वर्ष जी, तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, और अगर सूर्य आपने अपना मजबूत कर लिया तो बाकी सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। जी। इसी के साथ साथ एक उपाय मैं चंद्रमा का बताना चाहूंगा। जी। चंद्रमा का उपाय होता है हर पूर्णिमा और हर अमावस्या पर, ये भी महीने में दो आती है, यथासंभव दूध, चीनी, चावल या खीर बनवा करके गरीबों के अंदर, गरीबों को वितरण कराएं या मंदिर में दान करें जी, तो इससे भी उनको बहुत अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी। तो ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को उनके राशि के हिसाब से या फिर कॉमन टिप्स देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित।